الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم। अज़ीज़ान मोहतरम, आज आप लोगों के पास ये जो तफ़सीर का सिलसिला शुरू हुआ है पहुँच न सका, जिसका अफसोस भी है, शर्मिंदगी भी है। बहरहाल परसों जो आखिरी बात हुई थी वो नमाज से मुतालिक, जो सूरह फातिहा इमाम के पीछे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, तो इस सिलसिले में बात मुख्तसर सी सही लेकिन मुकम्मल बात आप लोगों के सामने आ गई। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इमाम के पीछे मुख्तदी को कुछ भी पढ़ने की इजाज़त नहीं है, जब इमाम क़िरात से हो, चाहे जहरी नमाज हो चाहे सिर्री नमाज। जैसे ज़ोहर और असर में इमाम साहब सिर्री पढ़ते हैं, तब भी मुक्तदी को कुरान पाक में से कुछ भी पढ़ने की इजाज़त नहीं है, ना सूरह फातिहा पढ़ेगा मुक्तदी, ना कोई सूरत पढ़ेगा, खामोश खड़ा रहेगा। अलबत्ता रुकू में, सजदे में जो तस्बीहात हैं वो पढ़ेगा और अत्तहियात पढ़ेगा। तो मैंने एक तफसील से ये बताया था कि कोई अगर ये कहे कि नहीं पढ़ना ज़रूरी है, इंतिशार पैदा करता है, तो जो जवाब मैंने दिया है उसे बार बार सुनकर याद कर ले। अगर कोई ऐसा मौका आया तो आप उनको समझाएं, और कहेंगे कि ये हदीसें ज़यीफ़ हैं, तो आप पूछें ज़यीफ़ हदीस किसे कहते हैं, कोई भी जवाब नहीं दे सकेगा, कोई भी इसका जवाब नहीं दे सकेगा। ज़यीफ़ हदीस किसे बोलते? अब जब ज़यीफ़ हदीस ही मालूम नहीं है, बोल सुनी हुई बातें फैल गई कि हदीस ज़यीफ़ है, हदीस ज़यीफ़ है, हदीस ज़यीफ़। हदीस ज़यीफ़ नहीं है, हदीस पक्की है, वो भी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने की है, और मुहद्दिसीन के ज़माना उसके बाद शुरू होता है। खैर, अब आगे बात हम करेंगे सूरह फातिहा से मुतालिक आयतें पढ़कर तर्जमा और उसकी मुख्तसर सी तफसीर। अब सबसे पहली आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो सारे आलम का पालने वाला है। तमाम तारीफें, दुनिया में कहीं भी कोई किसी की तारीफ़ करेगा तो वो अल्लाह तबारक व तआला की ही तारीफ़ है, इसलिए कि जो भी कोई भी अच्छी से अच्छी चीज़ देखता है या सुनता है तो वो सब का सब अल्लाह तबारक व तआला का पैदा करदा है। क़ुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम्हारा अमल भी मेरे पैदा करने से वजूद में आया है, और जो सलाहियतें जिसको भी मिली हैं वो सारी सलाहियतें अल्लाह तबारक व तआला की अता करता है। कोई सलाहियत, मिसाल के तौर पर मिस्त्री है, कारपेंटर है, पेंटर है, या इंजीनियर है, या डॉक्टर है, कोई भी हो, किसी भी लाइन की कोई भी एक अच्छी चीज़ नज़र आती है तो ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता है, बख्शिश है, तो उसको रख कर वो करता है। तो अब उसकी तारीफ़ जब होती है तो हकीकत में जिसने ये सलाहियत अता फरमाई, तारीफ़ उसी के लिए होगी, उसको समझने के लिए। मसलन एक आदमी लिखना शुरू करता है, बड़ा शानदार लिखता है, बड़ा खूबसूरत लिखता है, जो लिखा जा रहा है वो कलम से लिखा जा रहा है, स्याही से लिखा जा रहा है,
अब तारीफ़ किसकी करेंगे, कलम की नहीं करेंगे और स्याही की नहीं करेंगे, जो भी करेगा वो लिखने वाले की तारीफ़ करेगा, भाई क्या अच्छा लिखा है लिखने वाले। एक मिसाल है, कोई भी चीज़ हो, जैसे तलवार है, बड़ी शानदार तलवार है, लेकिन ऐसे आदमी हाथ में उठा लिया है जो दस्ते बाजू यानी हाथ में पावर फुल ताकत रखा है, तो अब उस तलवार के ज़रिए से जो कुछ भी करेगा तो वो तलवार का कमाल नहीं है, जिसके हाथ में तलवार है उसका कमाल है, तारीफ़ उसकी करेंगे। इसी तरह कायनात में जितनी चीज़ें जिसको मिली हैं, किसी भी लाइन की मिली हैं, सब अल्लाह तबारक व ताला का अता है, अल्लाह तबारक व ताला की बख्शिश है, अल्लाह ताला की तरफ से अता है। तो अब तारीफ़ जिसकी भी करेंगे वो अल्लाह ही के लिए है, तो तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए होंगी, इसके अलावा किसी की तारीफ़ हो ही नहीं सकती। हर चीज़ का खालिक, पैदा करने वाला और हर चीज़ की हिफाजत करने वाला, हर चीज़ को बाकी रखने वाला सब अल्लाह तबारक व ताला। एक किस्सा सुनाता हूँ, अब इसमें से आपको एक मसला भी मिल जाएगा। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जुम्मे के खुतबे के लिए खड़े हुए, अजान हो गई। अब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्हम्दुलिल्लाह, अब आगे ज़बान चलती ही नहीं है, बिल्कुल रुक गई, बहुत देर खड़े थे, फिर बैठ गए। अब उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह, आगे ज़बान चलती नहीं, बहुत देर मिंबर से उतर कर आ गए। अभी क्या हुआ, हालांकि आगे नमाज़ पढ़ा रहे हैं लेकिन वहाँ ज़बान बंद हो गई। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा मसला उम्मत को मिला, वो क्या, अब जब इमाम हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में मिंबर रसूल अल्लाह साहिब सलावत व तस्लीम पर जुमे के खुतबे के लिए खड़े हुए और सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह का, तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने मसला निकाल लिया, अगर कोई मिंबर पर खड़े होकर अल्हम्दुलिल्लाह कह लेगा खुतबा हो गया उसका। अब आम तौर से अब जो लॉकडाउन का मसला आया तो उसमें खुतबे शाये हो रहे थे, छोटे छोटे खुतबे, बहरहाल सही है, गलत नहीं है, लेकिन मसला ये था कि अगर कोई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़कर भी मिंबर पर उतर जाएगा, खुतबा जुमे का हो जाएगा और जुमे की नमाज भी हो जाएगी, तो ये मसला हमको मिला। अब मुझे यहाँ ये अर्ज़ करना था कि अल्लाह ताला जैसा चाहते हैं जब चाहते हैं वो करते हैं, तो आगे अल्लाह ये नाम है उस ज़ात का जो सारे सिफात को शामिल है, दुनिया भर के जितनी सिफात हैं सबका ये अकेला मालिक सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला है। इसी वजह से गैरों ने कभी भी किसी बुत का नाम अल्लाह नहीं रखा, किसी भी दौर में 1500 साल दौर तो हज़रत नबी अलैहिस्सलाम का दौर है, उससे पहले जो अंबिया अलैहिस्सलाम का दौर आया शिर्क उस वक्त भी रहा, तो कभी भी किसी बुत का नाम मुशरिकों ने अपने अपने माबूदा ने बातिल का नाम अल्लाह नहीं रखा। हर एक का जहन यही है कि अल्लाह वो ज़ात है जिसको हम भी अल्लाह बोलते हैं, यानी सारे सिफात का पूरा पूरा हामिल अल्लाह तबारक व ताला है, और वो सिफात अल्लाह ताला की ज़ाती हैं, अताई नहीं है। बाकी जितनी सिफतें दुनिया में हैं सारी सिफतें अताई हैं, कोई सिफत ज़ाती नहीं है। सबसे बड़ी मिसाल मैं आप लोगों को देकर समझाना चाहता हूँ ताकि जल्दी से समझें। मिसाल के तौर पर अंबिया अलैहिस्सलाम की जमात, अंबिया अलैहिस्सलाम जितने भी नबी हैं ये नबी होना उनकी एक सिफत है, लेकिन ये सिफत अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से अता करदा है, अताई सिफत है, ये ज़ाती सिफत नहीं है। अल्लाह ने जिसे चाहा
उनको नबूवत से, रिसालत से नवाजा। तो नबूवत और रिसालत जो बड़ी सिफत है इंसानों में, सबसे बड़ी जमात, पाकीज़ा साफ़ सुथरी जमात, मासूम जमात हज़रत अम्बिया अलैहिस्सलाम की है। जैसे अल्लाह तबारक व ताला ने पारे 8 में सूरह अनाम में बताया, अल्लाहु आलमु हैथु यजअलु रिसालता, अल्लाह खूब से खूब तर जानते हैं किसको नबी बनाना है। तो नबी जिसे अल्लाह तबारक व ताला ने बनाया है, ये भी अताई सिफत है हज़रत अम्बिया अलैहिस्सलाम के लिए। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह ये एक तारीफ़ है अल्लाह के लिए, गोया ये एक दावा भी है। यानी तारीफ़ दुनिया में कोई भी किसी की कब भी करेगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह तबारक व ताला के लिए होगी, चाहे वो दुश्मन इस्लाम हो और किसी भी चीज़ की वो तारीफ़ करता हो। ये मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह का। फुकहा ने एक मसला लिखा है, गौर से सुने। एक आदमी ने कसम खा लिया, और कसम खाना बड़ा गुनाह है, बार बार कसम नहीं खाना चाहिए, और कसम खा लेता है तो उसे निभाना है, उसे पूरा करना है। अगर किसी ने यह कसम कर लिया, मैं अल्लाह तबारक व ताला की ऐसी तारीफ़ करूँगा, ऐसी तारीफ़ करूँगा जो किसी ने न किया हो, उतनी शानदार उम्दा बेहतरीन तारीफ़ मैं अल्लाह तबारक व ताला की करूँगा। और उसके बाद उसने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही पढ़ लिया, फुकहा ने लिखा है वो कसम से बरी हो जाएगा, यानी गोया उसने वो तारीफ कर दिया अल्लाह तबारक व ताला की जिसकी उसने कसम खाया। तो इतना ऊंचा कलीम है, और अल्लाह तबारक व ताला को ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद है। हदीस में आया है, हम सुने, एक आदमी सुभानअल्लाह बोलता है तो क़यामत के मैदान में जो तराजू होगा उसका आधा पलड़ा नेकियों से भर जाए। उसके बाद जो अल्हम्दुलिल्लाह बोलता है, बकिया आधा पलड़ा भर जाएगा, वज़न हो जाएगा, उतना वज़नी हो जाएगा। एक मरतबा अल्लाह में, एक ज़िंदगी में एक मरतबा कहने लेने की तौफीक अता हो। और आगे ला इल्लाह इल्लल्लाह कोई कहेगा तो पलड़े में जगह कहाँ है। जब ये सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह में पलड़ा भर गया तो ला इल्लाहा इल्लल्लाह में, तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ला इल्लाहा इल्लल्लाह कह लेगा तो आसमान और ज़मीन के दरमियान का जो हिस्सा है वो नेकियों से भर जाएगा। शेखुल अरब वल अजम हज़रत अक़दस मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाहि अलैहि ने फ़ज़ाइल आमाल में, फ़ज़ाइल ज़िक्र उसमें बयान फरमाया है कि अल्हम्दुलिल्लाह कहने से आधा पलड़ा भर जाता है। अल्लाह ताला को ये बहुत पसंद है, सुभानअल्लाह बंदा का कहना, अल्हम्दुलिल्लाह का बंदा का कहना, और ला इल्लाहा इल्लल्लाह का बंदे का कहना, और अल्लाहु अकबर का बंदे का कहना, अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। एक हदीस सुनाए देता हूँ। हज़रत क़ारी साहब रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद खिज़र में बार बार इस हदीस को दोहराए, कोई भी रात में किसी वक्त उठता है तो हदीस में आया है, जो आदमी ये 7 कलीमे 10-10 मरतबा पढ़ लेगा उसके लिए बहुत सारी नेकियां। वैसे भी हदीस में आया है, रात में जब भी आँख खुले फौरन कहे अल्लाहु अकबर, एक मरतबा भी कहे, फिर सो जा, फिर आँख कभी खुली अल्लाहु अकबर। हदीस में आया है, जो इस तरह से पढ़ लेगा उसे तहज्जुद पढ़ने का सवाब मिलेगा। ये अमली ज़िंदगी बनाना है हम सबको। मसलन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला ने फरमाया, रात में किसी वक्त आँख खुल जाए तो कहो 10 मरतबा अल्लाहु अकबर, फिर कहो 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर कहो 10 मरतबा सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम,
फिर कहो 10 मरतबा सुभान अल मलिक अल कुद्दूस, फिर कहो 10 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह, फिर कहो 10 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये 6 कलीमे हो गए। अब 7वां कलीमा ज़रा लंबा है, वो क्या है? वो भी 10 मरतबा, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़ीक़िद दुनिया व अऊज़ु बिका मिन ज़ीक़िल यौमिल क़ियामा। या अल्लाह तू हमारी हिफाजत फरमा दुनिया की तंगी से और आखिरत की तंगी से, ना दुनिया हमारे ऊपर तंग हो ना आखिरत हम पर तंग हो। ये दुआ। अब 10 मरतबा ना से एक मरतबा, हदीस में तो 10 मरतबा का जिक्र मिश्कात शरीफ में हदीस मौजूद है। अमलुल यौमी वल लैल बोलकर एक उनवान आता है, रात दिन में जो वज़ाइफ़ हैं, वजीफ़ा जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में मामूल बिहा था, ये सारी चीज़ें नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में मामूल थे। जब नबी अलैहिस्सलाम ये सब करते थे तो हमको करने की कितनी ज़रूरत है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह पर बात ख़त्म कर लेंगे। रब्बिल आलमीन इंशाअल्लाह कल वो मज़मून आप लोगों के सामने आ जाएगा। बस दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सुनने के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फ़रमा, और हमारे कहने सुनने को भी अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा, इसको अल्लाह तबारक व तआला ज़खीरे आखिरत बना दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा फक्किहना फिद्दीन व अल्लिमना अल कुरआन अल हकीम।